हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी क्लास में। मैं प्रियांश कुमार लेकर आया हूँ मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, यह कोर्स आपके सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह कोर्स लाभदायक है। दोस्तों, समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था, बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था, जैसे कि व्हाट इज मास, व्हाट इज वेट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज लेंथ। ये सारे टॉपिक को मैंने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज यूनिट, व्हाट इज नहीं, हाउ मेनी टाइप ऑफ यूनिट, व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज डेराइव्ड यूनिट, व्हाट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि व्हाट इज यूनिट, यूनिट किसे कहते हैं। तो दोस्तों, यूनिट को हिंदी में हम लोग मात्रा कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यूनिट को हिंदी में हम लोग मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे यूनिट कहते किसको है। तो दोस्तों, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना हो तो हम लोग यूनिट का सहारा लेते हैं। यूनिट उसे कहते हैं जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को माप सके। जैसा कि मैंने लिखा हूं, अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड असाइंड टू रिप्रेजेंट अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना, उसी को यूनिट कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन आप लोग दे सकते हैं, अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज डिफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी भी क्वांटिटी का डिफिनिट मैग्नीट्यूड को मेजरमेंट करें, उसी को यूनिट कहते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंट मैग्नीट्यूड को अगर मेजरमेंट करता है तो उसे हम यूनिट कहते हैं। कहने का मतलब यही दोस्तों, ये दोनों डिफिनेशन से मतलब यही निकलता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर कोई चीज रिप्रेजेंट करता है तो उसी को हम लोग यूनिट कहते हैं, जिसको हिंदी में मात्रा कहते हैं। तो दोस्तों, कितने प्रकार के यूनिट होता है? तो दोस्तों, हम लोग यूनिट तीन प्रकार के पढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट था सीजीएस यूनिट, सेकंड है एमकेएस यूनिट, और थर्ड है एफपीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, एमकेएस यूनिट का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकंड, और एफपीएस यूनिट का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड। तो आई होप दोस्तों, आपका यूनिट टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यूनिट दोस्तों कितने प्रकार का होता है, इस टॉपिक में यह पढ़ना है। तो दोस्तों, यूनिट बेसिक टाइप दो प्रकार का होता है, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डेराइव यूनिट। तो पहले हम लोग देखते हैं फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। तो द यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट। कहने का मतलब ये दोस्तों, वैसा यूनिट जो किसी दूसरे पर इंडिपेंडेंट ना रहे, मतलब किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे, वो खुद पर अब इंडिपेंडेंट रहे, मैंने वैसा मात्रा जो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है, उसी को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे कि सम एग्जांपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट, जैसे कि मीटर, जैसे कि किलोग्राम, जैसे कि सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सारा जो यूनिट है ना दोस्तों, ये किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता, ये खुद पर इंडिपेंडेंट है, इसलिए दोस्तों इस सब को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट जनरली सात प्रकार का होता है। तो देखते हैं कौन कौन फंडामेंटल यूनिट होता है। तो फर्स्ट दोस्तों होता है लेंथ, सेकंड है मास, थर्ड है टाइम, फोर्थ है इलेक्ट्रिसिटी करंट, फिफ्थ है टेम्परेचर, और सिक्स्थ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सेवेंथ है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसका ये तो दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसका यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, इलेक्ट्रिसिटी करंट का यूनिट होता है एम्पियर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का यूनिट होता है मोल। तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइए, यह फंडामेंटल फिजिकल यूनिट है, और यह इसका लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट है मीटर। मास को हम लोग किस में मतलब मापते हैं, तो किलोग्राम मापते हैं। तो दोस्तों, हम लोग डिफिनेशन से क्या सीखे थे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर वो रिप्रेजेंट कराता है तो हम उसको यूनिट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह मास है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है मास, और मास को रिप्रेजेंट कौन करा रहा है, किलोग्राम, मास को रिप्रेजेंट करा रहा है किलोग्राम, तो इसी को हम लोग
यूनिट कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये सातों प्रकार का यूनिट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपको यूनिट किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा टाइप पढ़ते हैं दोस्तों, डिराइव यूनिट। तो डिराइव यूनिट कहने का मतलब सिंपल सा शब्द में ये समझ दोस्तों कि वैसा यूनिट जो जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो या फिर ऑप्टेन हो। कहने का मतलब दोस्तों कि कोई भी यूनिट अगर फंडामेंटल यूनिट से बनता है या डिराइव होता है या ऑप्टेन होता है उसको हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। अब ये ऑप्टेन कैसे होता है दोस्तों, तो ऑप्टेन होने का या तो मल्टीप्लीकेशन के अनुसार हो या फिर डिवीजन करके हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन से हो या फिर डिवीजन से हो, दोनों में से किसी विधि से हो ऑप्टेन हो किससे, तो फंडामेंटल यूनिट से, उसी को दोस्तों बोलते हैं डिराइव यूनिट। तो एक बार डेफिनेशन पढ़िए दोस्तों, दिस टाइप ऑफ यूनिट विच इज ऑप्टेन फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट बाई मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज नोन एज डिराइव यूनिट। कहने का मतलब सिंपल सा यही दोस्तों कि वैसा यूनिट जो ऑप्टेन हो किससे, तो फंडामेंटल यूनिट से। वैसा यूनिट दोस्तों जो ऑप्टेन हो फंडामेंटल यूनिट से किसके द्वारा, तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के द्वारा, उसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों डिराइव यूनिट। और यह किस पर डिपेंड होता है दोस्तों, तो मैंने शुरू में बोला कि फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होता है। तो सम एग्जांपल ऑफ डिराइव यूनिट, तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है दोस्तों, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है दोस्तों, तो मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है दोस्तों, तो सेकेंड। तो जैसे ये मीटर है और ये सेकेंड है, ये क्या है, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है और ये फंडामेंटल यूनिट है, और ये फंडामेंटल यूनिट से ही ना दोस्तों हम लोग डिवीजन करके हम इस वेलोसिटी का यूनिट निकाला है। तो यानी इस क्या हो गया, ये डिराइव यूनिट हो गया। तो हम लोग डिफिनेशन से ही पढ़े थे, वैसा यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव हो उसी को हम लोग बोलते हैं डिराइव यूनिट। तो ये दोनों मीटर और सेकेंड, ये दोनों फंडामेंटल यूनिट है और इन दोनों को हम डिराइव करके, हम दोनों को ड्राइव करके वेलोसिटी का यूनिट निकाले मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया अब डिराइव यूनिट। तो आई होप दोस्तों आपको डिराइव यूनिट भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम लोग के आगे पढ़ना है स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो देखिये दोस्तों वैसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। सिंपल सा भाषा में समझिए दोस्तों कि किसी भी क्वांटिटी में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो उसको हम सीधे बोल देंगे स्केलर क्वांटिटी। तो इसका कुछ एग्जांपल है दोस्तों कि स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन सा चीज आता है। तो जैसा कि पहला मास, मास दोस्तों मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है। और दोस्तों क्या है, तो डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। मास हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, प्रेशर है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। ये सारे के सारे में सिर्फ सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ये सब में नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब दोस्तों सीखेंगे वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों उपस्थित रहे, उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर इंग्लिश डिफरेंस के बाद दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ओबे द लॉ ऑफ ट्रायंगल, सॉरी दोस्तों ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब यही दोस्तों कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, उसी को हम लोग दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी का सम एग्जांपल है दोस्तों, कुछ एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, इंपल्स, मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, ये सारे के सारे जो है दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी का आपको एग्जांपल है। ये सारे के सारे में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए हम ये सबको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तब दोस्तों देखेंगे डिफरेंस क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी में हम थोड़ा देर पहले बताया क्या कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में दोस्तों क्या बोल रहे थे, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और क्या होता है स्केलर क्वांटिटी में दोस्तों, तो इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। कहने का मतलब दोस्तों की ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो स्केलर क्वांटिटी नहीं करता है, और यह दोस्तों ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है।
इट कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा। इसमें दोस्तों जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा के तहत कोई भी चीज ऐड किया जा सकता है, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी में आपको ऐड करना है तो इसमें स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर के तहत ही आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। स्केलर क्वांटिटी का जो दोस्तों वैल्यू होता है या तो आपको पॉजिटिव हो सकता है या तो फिर आपको जीरो हो सकता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का जो आपको वैल्यू होता है दोस्तों या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सॉरी दोस्तों यहाँ नेगेटिव का स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग सुधार लीजिएगा इसको। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि वेक्टर क्वांटिटी का जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये आपको चारों डिफरेंस समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, स्केलर क्वांटिटी में जनरल रूल ऑफ अलजेब्रा के तहत आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी में आपका जो वैल्यू होता है वो पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, वेक्टर क्वांटिटी में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर क्वांटिटी में आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हैं स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर के तहत, वेक्टर क्वांटिटी आपको पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। तो दोस्तों ये रहा आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप यह दोस्तों के साथ शेयर करें, और तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहे इस वीडियो सीरीज को। धन्यवाद।